हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज हम जानेंगे कि कैसे दिल्ली मेट्रो को ऑपरेट करते हैं, क्योंकि किसी भी मेट्रो को चलाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो आज हम उन सभी तरीकों के बारे में जानेंगे कि आखिर कोई मेट्रो चलती कैसी है। तो अगर हम उन तरीकों की बात करें तो आज यहाँ हम 5 तरीकों के बारे में जानेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ऑलमोस्ट सारे मेट्रो जितनी भी दुनिया में हैं वो इन्हीं 5 तरीकों में से किसी एक तरीके पे ऑपरेट करती हैं। तो जो पहला तरीका है वो है कम्प्लीटली ड्राइवर कंट्रोल्ड, इसमें सारा कंट्रोल ड्राइवर के ऊपर रहता है। दूसरा है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, जैसा कि नाम से इंडिकेट करता है, इसमें कुछ प्रोटेक्शन सिस्टम लगा होता है। तो तीसरा है वो है ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन, अब इसमें ट्रेन ऑटोमेटिक चलती है, ये भी हम जानेंगे कि क्या होता है, इसको हम शॉर्टकट में ATO भी बोलते हैं। तो चौथा मोड है वो है ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन, इस मोड में जैसे कि नाम से ही इंडिकेट करता है ड्राइवर नहीं होता है, तो बिना ड्राइवर के ट्रेन कैसे चलेगी। जो पांचवा है वो है अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन, जो चौथा है उसमें ड्राइवर नहीं होता है और पांचवा में अटेंडेंट नहीं होता है। तो ये अटेंडेंट और ड्राइवर क्या होता है, तो जो पांचवें का पूरा नाम है वो है अनअटेंडेंट ट्रेन ऑपरेशन, यूट्यूब मोड बोलते हैं। दुनिया के कई देशों में यूट्यूब मोड ट्रेन चलती है, जैसे कि एग्जांपल जापान है, बट अभी इंडिया में जो ट्रेनें अभी ऑपरेट कर रही हैं मोस्टली वो ATO मोड में ऑपरेट कर रही हैं। अगर हम दिल्ली मेट्रो की बात करें तो लाइन 2 येलो लाइन, लाइन 5, लाइन 6, 7, 8, 9 जितनी भी लाइनें हैं एक्सेप्ट रेड लाइन एंड ब्लू लाइन, सारी लाइनों पर जो ट्रेन चल रही है वो ATO मोड में चल रही है। अभी जो ATO से DTO शिफ्ट होने की बात चल रही है वो है मजेंटा और पिंक लाइन पे। तो हम जल्दी देख पाएंगे कि मजेंटा लाइन एंड पिंक लाइन पे ट्रेन DTO मोड में चलना स्टार्ट करेगी। तो आज हम इन्हीं 5 के बारे में समझेंगे, आखिर ये इन 5 में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, कैसे एक मोड दूसरे मोड से डिफरेंट है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। अगर हम पहले मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो वो है कम्प्लीटली ड्राइवर कंट्रोल मोड ऑफ ऑपरेशन। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है जो कलकत्ता में ट्रैम चलती है, वो ट्रैम कम्प्लीटली ड्राइवर कंट्रोल होती है, उसमें कोई सिग्नलिंग सिस्टम का यूज नहीं किया जाता, कोई ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं होता। जस्ट लाइक कोई व्हीकल लोड चलती है उसी तरह से ट्रैम एक डेडिकेटेड पार्क चलती है, बट सारा कंट्रोल ड्राइवर के हाथ में होता है। कुछ भी होता है तो उसमें सिग्नलिंग का कोई रोल नहीं होता है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ सिग्नलिंग फेलियर। बाकी दिल्ली मेट्रो ने ये मोड ऑफ ऑपरेशन कभी प्रेफर नहीं किया और नहीं कभी यूज किया है। तो जो अगला मोड ऑफ ऑपरेशन होता है ATP, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। इस मोड ऑफ ऑपरेशन में जो प्रोटेक्शन का रोल होता है वो सिग्नलिंग को दे दिया जाता है। तो सिग्नलिंग का काम होता है प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी देना। जैसे सपोज करो कोई ट्रेन आगे खड़ी है, तो जो आप पीछे जो ट्रेन आ रही है वो कुछ डिस्टेंस पहले रुक जाएगी, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है जो सिग्नलिंग द्वारा बताएगा कि आगे कोई ट्रेन खड़ी हुई है। जो ATP वाला मोड था इसको दिल्ली मेट्रो ने स्टार्टिंग प्रेफर किया था। तो जो जब 2002 में रेड लाइन का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था तो दिल्ली मेट्रो ने ATP मोड में ही ट्रेन का ऑपरेशन स्टार्ट किया था। इसमें काफ़ी हद तक पैसेंजर की सेफ्टी होती है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट मोड ऑफ ऑपरेशन था वो था ATO, ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन मोड। इस ऑपरेशन को दिल्ली मेट्रो ने अपने लेक्स लाइन, जिसको हम येलो लाइन बोलते हैं, जो कि समयपुर बादली से हुडा सिकंदर के बीच में है, उस पर यूज किया। उसके बाद सबसेक्वेंट जितने भी मेट्रो लाइनें खुली एक्सेप्ट ब्लू लाइन, सभी में ATO मोड के द्वारा ही ऑपरेशन किया जाता है। अब ATP से ATO कैसे डिफरेंट है, देखो ATO मोड में क्या होता है कि ट्रेन नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर रुकती है, ऑटोमेटिक उसका ओपन डोर ओपन होता है, ये सब काम सिग्नलिंग से होता है। जस्ट ड्राइवर का रोल क्या होता है कि डोर गेट के डोर को क्लोज करना और ट्रेन को स्टार्ट करना। इसके बाद सारा काम जो होता है वो ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर द्वारा हैंडल किया जाता है थ्रू सिग्नलिंग। ट्रेन नेक्स्ट स्टॉप स्टेशन पर जाएगी, वहाँ रुकेगी, ऑटोमेटिक डोर खुलेगा, ये सब काम ऑटोमेटिक होता है। तो अब क्या हुआ कि जो ड्राइवर का रोल था जस्ट गेट को क्लोज करना था एंड स्टार्ट करना था, ये भी काम नेक्स्ट मोड में सिग्नलिंग द्वारा किया जाएगा। इसको हम बोलेंगे DTO मोड, ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन, मतलब इसमें ड्राइवर का कोई रोल ही नहीं रहेगा, बट पैसेंजर की सेफ्टी और कोई इमरजेंसी
न आ जाए इसके लिए हर ट्रेन में एक अटेंडेंट होगा। वो अटेंडेंट मल्टीपर्पज़ या फिर कहें मल्टी टास्किंग स्टाफ होगा, जिसको इनके सब इमरजेंसी ट्रेन चलाना भी आएगा, पैसेंजर को हेल्प करना है, कुछ भी प्रॉब्लम मेट्रो में आती है तो उसको सारी नॉलेज होगी, तो उसको हम बोलेंगे अटेंडेंट। मतलब उस ट्रेन में एक अटेंडेंट रहेगा, ड्राइवर नहीं रहेगा, अटेंडेंट रहेगा। इसको ड्राइवर लेस ट्रेन ऑपरेशन बोलते हैं, उसको हम DTO बोलते हैं। ये मोड ऑफ ऑपरेशन अभी तक दिल्ली मेट्रो ने या फिर किसी मेट्रो ने यूज नहीं किया इंडिया में। दिल्ली मेट्रो पहली मेट्रो होने वाली है जो कि ATO से DTO में शिफ्ट करने वाली है। बट इसके लिए कुछ शिफ्ट चाहिए होती है, जैसे कि प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर चाहिए होता है, जो कि दिल्ली मेट्रो ने अपने पिंक और मैजेंटा के हर स्टेशन पे डोर लगा रखे हैं, जिससे कि पैसेंजर की सेफ्टी हो। तो दिल्ली मेट्रो इस DTO मोड के ऑपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर या उससे पहले कि दिल्ली वालों को खुशखबरी मिल जाए कि मैजेंटा लाइन DTO मोड ऑपरेशन में काम करना स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको फिर एक बार इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, इसमें ड्राइवर नहीं होगा बट एक अटेंडेंट होगा, जो कि मल्टी टास्किंग स्टाफ होगा। इसके बाद जो अगला मोड होगा उसमें हम उस अटेंडेंट को भी हटा देंगे, इसलिए इसको बोलते हैं अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन। मतलब उस मेट्रो में कोई भी मेट्रो का स्टाफ नहीं होगा, ना अटेंडेंट होगा ना ड्राइवर होगा, कम्प्लीटली मेट्रो स्टाफ फ्री ट्रेन, उसको बोलते हैं अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन पड़ेगा। एक बार DTO मोड सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद दिल्ली मेट्रो फिर नेक्स्ट मोड मतलब YouTube मोड में आने की बात कर सकती है। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।